हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ रेनी सीजन से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहेंगे। गाइस, ये ग्रोइंग सीजन है, बहुत ही बढ़िया सीजन माना जाता है। इसमें बारिश होने से प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा होता है, तो इसमें इस मौसम का हम बॉन्साई ग्रोअर बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। गाइस, इस मौसम में आप एक न्यू प्लांट बना सकते हैं एयर लेयरिंग के थ्रू, स्पेशली फाइकस वराइटी की। फाइकस वराइटी से हम अच्छा प्लांट बना सकते हैं एयर लेयरिंग की मदद से। ये तो हो गया प्लांट प्रोपोगेशन। आप इसमें अपने जो भी बॉन्साई आपके पास है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस सीज़न में। उसकी कैजुअलिटी रेट ज़ीरो होती है। फाइकस, स्पेशली फाइकस वैरायटी जो है उसको बेझिझक आप रिपोर्ट करें, जैसे चाहे वैसे रिपोर्ट करें, आपका प्लांट बिल्कुल नहीं मरेगा और सर्वाइवल रेट 100% होगी। ओके, उसके बाद होती है, जैसे मैंने आपको बोला ये ग्रोइंग सीज़न है, तो इसके अंदर आप अपने बॉन्साई को प्रून कर सकते हैं रेगुलर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ निकलेगी आपकी प्लांट की, और उसकी जो शेप है वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप प्लीज़ इसको प्रून करते रहें, लगातार प्रून करते रहें। स्पेशली जेड प्लांट बहुत ही विगस ग्रो करता है जब इसको बारिश मिलती है, पानी जब इसको बरसात का पानी जब मिलता है, तो इसको रेगुलर आप प्रून करते रहें। ओके, उसके बाद जब आप प्रून कर रहे हैं फाइकस को भी आप अच्छे से प्रून कर सकते हैं, उसको डिफोलिएट कर सकते हैं इवन फाइकस को, जिससे उसमें न्यू बर्ड्स और न्यू शूट्स निकलेंगे, नए पत्ते निकलेंगे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा। तो फाइकस को आप प्लीज़ प्रून कर दें, डिफोलिएट कर दें, डजेंट मैटर, आपका प्लांट बिल्कुल नहीं मरेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजिंग। ये ग्रोइंग सीजन है तो इसमें आप अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हो। प्लांट की कैजुअलिटी बहुत कम होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें बट एकदम पूरा नियंत्रण में, कंट्रोल वे में यूज़ करें, जिससे आपका प्लांट मरे नहीं, ठीक है, ग्रोथ ही मिले उससे। ओके गाइस, तो आपको कैसा लगा हमारा ये टिप्स? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, तब तक के लिए ग्रीन्स बुद्धा की तरफ से आप सभी को गुड बाय।